Good morning students, in class 12th today we will discuss the topic refraction through a rectangular glass slab. तो ये जो rectangular glass slab है इसके बारे में आप 10th class में भी study कर चुके हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा advanced level पे study करेंगे. ठीक है, तो हम consider कर लेते हैं कि हमारे पास एक rectangular glass slab है जिसको हम के एल एम एन से नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मीडियम है दैट इज एयर, और जैसे ही लाइट इस ग्लास स्लैब के अंदर आएगी तो वहाँ पर जो ग्लास स्लैब है उसका मीडियम हम बी मान सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी मान सकते हैं. तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दैट इज के एल, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और इस नॉर्मल के साथ मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे आती है जिसको हम ए ओ से डिनोट कर सकते हैं, और ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन. तो ये रे आनी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन ड्रा करेंगे. ठीक है, तो आर वन लिख देंगे. तो यहाँ पर जो कितने एंगल से डेविएट होगी उसको हम एंगल डेल्टा से नोट कर सकते हैं. तो जब ये रिफ्रैक्टेड रे आगे बढ़ेगी तो हमारे पास जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दैट इज एन एम, तो वहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं. तो जैसे ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होगी तो वहाँ पर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू हो जाएगा, और जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयर में आएगी आनी तो सीधी चाहिए थी लेकिन इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी. तो जैसे ही हम अगर इसको देखें, ये जो डॉटेड लाइन है यानी जो हमारे फर्स्ट सरफेस से इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्टेड रे है, अगर हम इन दोनों को ड्रा करेंगे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है हम उसको डी से नोट कर सकते हैं, उस डी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? आर टू. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम देखें एट पॉइंट ओ यानी जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है के एल, वहाँ पर जो पॉइंट ओ है अगर हम वहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. तो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बी से नोट करते हैं और मीडियम फर्स्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ए से नोट करते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन वन होगी. अगर हम देखें ये जो रे है जब आगे इंसिडेंट होती है सेकेंड सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर हमारे पास जो सेकंड सरफेस है वहां पर फिर इंसिडेंट स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई टू टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर टू. तो ये आर टू किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन. अब देखो जो रे है वो क्या कर रही है, अब सेकेंड ग्लास से एयर के अंदर जा रही है, तो अब ये फर्स्ट मीडियम बन जाएगा और ये सेकेंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू यानी एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी. तो हमारे पास अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. अगर हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन लेफ्ट टर्म को लेफ्ट वाली से मल्टीप्लाई और राइट को राइट वाली से. ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू यानी एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, तो अगर हम इसको वन बाय लिखें तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम ये आपस में सबस्क्रिप्ट है, ये चेंज हो जाएंगे, बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो ऐसा करने से ये और ये वैल्यू सेम होगी, तो आपस में कैंसिल आउट, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आएगी? वन आएगी. ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो रे रे डायग्राम है यहाँ पर आर वन है और आई टू है, बोथ आर इक्वल टू इच अदर, अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये इक्वल है. अगर हम इनकी वैल्यू आई टू की वैल्यू क्या करें, आर वन के इक्वल पुट कर दे तो ये आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास साइन आई वन बाई में साइन आर टू, ठीक है, किसके इक्वल आएगा? वन के, और ये वन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन आई वन किसके इक्वल आ जाएगा? साइन आर टू के. ठीक है, अगर हम देखें यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के. ठीक है, तो ये हमारा
रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो रे है वो कितना डेविएट हो जाती है, उनके बीच की लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बी है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, जो हमारी ये डॉटेड लाइन है इसके ऊपर। तो यहाँ पर एंगल डेल्टा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और ओ बी, ओ से बी तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि जो हमारी विड्थ है जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, वो टी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओ ई बी के अंदर हम क्या करेंगे, ओ डी बी के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी, और ये किसके को आ जाएगी, साइन थीटा के। अगर हम देखें तो ये जो डी है, डी परपेंडिकुलर है थीटा के सामने, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसके साथ थीटा वो बेस, और थर्ड साइड हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या बनेगा, साइन थीटा। तो डी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी, और साइन अगर ये देखें वो वैल्यू क्या होगी, थीटा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, आर वन क्या होगी, आर वन माइनस ये वैल्यू हो जाएगी आई वन, क्योंकि ये देखो ये आई वन था, तो इसके अल्टरनेट अपोजिट एंगल आई वन ही होगा। तो आई वन में से हम आर वन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये डेल्टा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सो भी कर रखा है। अब देखेंगे कि हमारे पास जो ओ बी है उसकी वैल्यू कैसे होगी। तो ओ बी के लिए मैंने एक ट्रायंगल मान ली ओ ई बी, ओ ई बी के अंदर हम इसको रेशो को देखेंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ बी की वैल्यू टी बाई में कोस आर वन। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या होगी, टी बाई कोस आर वन इंटू में साइन आई वन माइनस में आर वन। तो यहाँ से हम उसकी जो डेविएशन है, लेटरल डेविएशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसी के अंदर, दैट विल बी रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है और अपेरेंट डेप्थ क्या है, आप फैमिलियर होंगे इस चीज़ से, आपने क्लास टेंथ के अंदर भी स्टडी किया होगा। जैसे आपने रियल, हमारे पास रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, और उस बीकर विच इज फिल्ड विद वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो जब हम उस बीकर के अंदर कोई भी कॉइन वगैरह रखते हैं तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो क्या कहलाती है, अपेरेंट डेप्थ होती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, कोई भी पानी का टैंक फिल्ड विद वाटर है तो वो हमें कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया, एक बीकर मान लिया जिसकी जो फ्री सरफेस है दैट इज एक्स वाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉइन को रख देंगे, यहाँ पर जो ओ पॉइंट है यहाँ पर एक कॉइन को रख दिया या ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगर यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो ये क्या करेगी, अनडेविएटेड सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको ए की बजाय कहाँ से देखें, बी से देखें, तो वहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अगर यहाँ से रे जाती है ऑब्जेक्ट से तो वो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो जैसे ही वो डेंसर से रेयर में जाएगी, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बी सी से होकर चली जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, आर। अगर हम इस बी सी रेज को पीछे की ओर लेके आए तो जहाँ पर ये रे और ये रे आपस में कट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज दिखाई देगी, और वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ। जबकि रियल डेप्थ क्या होगी, जो एक्चुअल डेप्थ है वाटर की वो हमारी रियल डेप्थ होती है, और अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। यहाँ पर जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान सकते हैं, एयर का मान सकते हैं वन। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू यानी वन हो गया, और बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, और मीडियम टू का हमने क्या माना है, म्यू माना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और ये आई नीचे जाके डिवाइड। ठीक है, तो इसको इक्वेशन वन कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम देखें जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ट्रायंगल आई ए बी, तो आई ए बी
यहां से हम साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये जो एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा आई बी, ठीक है, तो यहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इसी प्रकार से ओ ए बी है, ओ ए बी जो ट्रायंगल है यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, जब दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो इसको इक्वेशन वन में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी बी ओ बाई में पी आई, तो यहाँ पर बी ओ क्या है और बी आई क्या है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम इसमें देखो जो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास जो बी है इफ़ इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ए, अगर ये काफ़ी क्लोज है ए के तो हम मान सकते हैं जो बी आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा ए आई के, ठीक है, और ए आई क्या है रियल डेप्थ है, और जो बी आई था वो किसके इक्वल हो जाएगा ए आई के दैट इज एपरेंट डेप्थ, ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें इफ डी डिस्टेंस थ्रो विच द ऑब्जेक्ट ओ इज अपियर्स टू बी राइज इज गिवन बाई, तो मान लेते हैं कि ये जो डी डिस्टेंस है वहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है हमें राइज करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर डी की वैल्यू की होगी तो वो किसके इक्वल होगी ए ओ में से हम क्या माइनस कर देंगे ए आई की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम डी से नोट कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हमें दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए ओ और माइनस में ए ओ बाई में म्यू, ए ओ बाई में म्यू कहाँ पर आया, यानी ये बी की जगह हमने क्या रख दिया ए रख दिया और ओ, ए ओ हो गया, ठीक है, ए ओ हो गया और ये म्यू नीचे आ गया, तो बी आई की वैल्यू यानी बी ओ की वैल्यू बी ए आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ए ओ कॉमन आएगा तो यहाँ पर वैल्यू वन माइनस में वन बाई म्यू, और जो ए ओ है दैट वॉज ए से ओ तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी हमारी रियल डेप्थ, जिसको हम टी से नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो टोटल डेप्थ है इसको हम टी से नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टी वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, तो हमारे पास ये हमारी डेप्थ अपेरेंट डेप्थ है, कितना राइज होता हुआ दिखाई देगा हमें ऑब्जेक्ट, तो उसको वैल्यू को निकालने के लिए हमें रियल डेप्थ पता होनी चाहिए और जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम कितनी हाइट पर वो राइज होता हुआ दिखाई देगा वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एक कॉइन है विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बकेट अपीयर्स टू बी राइज्ड, तो आपने टेंथ में भी ये एग्जांपल पढ़ा था और प्लस टू के अंदर भी है, तो जब हम कॉइन को रख के देखेंगे तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सेकेंड है ए फिल्ड वाटर टैंक अपीयर्स टू बी शैलो यानी हैविंग लेस डेप्थ, तो मैंने बताया था कोई भी आप नदी के किनारे जाते हैं या जिसमें बिल्कुल साफ पानी है स्विमिंग पूल के ऊपर खड़े हैं तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है उससे हमें कम डेप्थ वहां पर दिखाई देती है, ठीक है, या हम तीसरा एग्जांपल मान सकते हैं फिश अपीयर्स टू बी एट लेस डेप्थ, ठीक है, तो जो फिश वगैरह है वो उसकी एक्चुअल डेप्थ से हमें कम डेप्थ पर दिखाई देती है, ओके, थैंक यू।